नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुरु को लेकर में। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में सैमसंग की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, अगर उस पर डी एरर आता है तो ये डी एरर क्यों आता है और उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, ये अभी आपको मैं इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, तो अगर दोस्तों आप फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन आ रहा हो, फिल्टर इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है या रिपेयरिंग सीख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे रिपेयरिंग के नए नए ट्रिक्स आप सीख सकोगे। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सैमसंग की टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे हम पावर ऑन कर देते हैं तो इसमें डी ई एरर आ रहा है। तो ये डी ई एरर क्यों आता है और उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, ये अभी आपको मैं इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो हम इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। इसका पहले पावर ऑन कर देते हैं, बोर्ड से तो हमने पावर ऑन कर दिया। अभी इसका जो पावर स्विच है, ये भी यहाँ से हम मशीन का पावर स्विच ऑन कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम पावर ऑन स्विच कर देते तो हम इसको स्पिन पे लगा देते हैं। स्पिन पे इसका टाइम सेट कर देते हैं पहले। टाइम सेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम मशीन को स्टार्ट कर देते तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, डी ई एरर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डी ई एरर क्यों आता है और इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया है। तो हम दोस्तों पहले पीछे से इसको कवर निकाल देते हैं, क्योंकि जो इसका प्रॉब्लम है ये हमें यहाँ पे पीछे से ही सॉल्व करना है। तो इस मशीन को आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पीछे का कवर है, ये जो ये कवर हमें यहाँ पे निकालना है। और ये कवर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे दो स्क्रू लगे हैं, ये एक स्क्रू और यहाँ पे राइट साइड पे एक स्क्रू, ऐसे दो स्क्रू लगे हैं। ये स्क्रू पहले हमें निकालना है। स्क्रू निकालने के बाद दोस्तों ये जो पीछे का कवर है, ये कवर हमें यहाँ पे निकालना है ताकि हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इसको कुछ ज़्यादा फिट नहीं किया रहता है, इसको खाली आसानी से आप निकाल सकते हैं, उसको प्रेस फिटिंग किया रहता है, आप स्क्रूड्राइवर या टेस्टर से निकाल सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट की जानकारी है यहाँ पे पूरी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाटर इनलेट वाल यहाँ पे लगाया गया है, यह है वाटर इनलेट वाल। और ये हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर स्विच है। और दोस्तों प्रेशर स्विच खराब होने पे कौन सा एरर कोड आता है, इसका भी मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैंने नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डोर स्विच। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, डोर स्विच अगर ख़राब हो जाता है तो डी ई एरर आता है। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि दोस्तों यहाँ पे जो पीसीबी से जो सप्लाई आता है, वो सप्लाई यहाँ पे आता है क्या नहीं, ये पहले हमें चेक करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे सप्लाई आता है तो दोस्तों हमें ये चेक करना है डोर स्विच है वो अच्छा है या ख़राब है, उसका हम कंटिन्यूटी देख के भी उसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे और उसका सप्लाई यहाँ पे पीसीबी से जो सप्लाई आता है वो सप्लाई यहाँ पे आता है या नहीं आता, ये भी हमें चेक करेंगे। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डोर स्विच है वो डोर स्विच है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो अच्छा या ख़राब है। जब दोस्तों वॉशिंग मशीन का जो डोर जो है, ये डोर जब बंद रहता है, तो बंद रहने के बाद दोस्तों इसका जो कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। अभी आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, ये जो डोर है, ये डोर जब यहाँ पे बंद रहता है तो इसका जो डोर स्विच है, इसका डोर स्विच का कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। और जब हम डोर खोलते हैं इसका, तब उसकी कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए। ये ऐसे हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो चलो मल्टीमीटर से हम यहाँ पे इसको चेक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो ये डोर स्विच है, इस डोर स्विच का दोस्तों हम जो वायर है, वायर हम पहले साइड में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है मल्टीमीटर है, तो इसका जो एरो है मल्टीमीटर का, इस एरो को हम कहाँ पे रखेंगे, इसका जो कंटिन्यूटी का जो सिंबल है वहाँ पे, इसको ये जो कंटिन्यूटी का सिंबल है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। और इसके बाद हम उसका उस डोर स्विच का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डोर स्विच है, उसका डोर स्विच का दो पॉइंट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो अभी जो इसका मल्टीमीटर का जो दो वायर है, हम एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे और देखते हैं कंटिन्यूटी आती है या नहीं। डोर स्विच के दोनों पॉइंट पे दो वायर लगा दिए हैं मल्टीमीटर के, फिर भी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना इसके मल्टीमीटर से कोई बीप आवाज आ रही है, ना कोई अंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी कि दोस्तों इसका जो डोर स्विच है, ये वॉशिंग मशीन का डोर जब भी बंद रहता है तब इसका कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका वॉशिंग मशीन का डोर बंद भी है, फिर भी यहाँ पे उसका डोर स्विच है, उसका कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। यानी कि इसका जब डोर स्विच खराब हो जाता है तभी ऐसे ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो डोर स्विच है
यहाँ पे ये पुराना वाला डोर स्विच निकल के हम यहाँ पे नया वाला डोर स्विच लगवाएंगे। तो चलो जो पुराना वाला डोर स्विच है उसको हम निकल के साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो डोर स्विच है खाली दो स्क्रू पे फिट किया गया है। जैसे हम इसका दो स्क्रू निकाल देंगे तो ये डोर स्विच अपने आप बाहर निकल जाएगा, उसको हम आप आसानी से उठा के बाहर निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डोर स्विच यहाँ पे हम निकाल दिया। अभी इसके जगह पे दोस्तों हम दूसरा नया वाला डोर स्विच लगवाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूसरा नया वाला डोर स्विच लिया है। तो अभी हम यहाँ पे जैसे पहला पुराना वाला डोर स्विच निकाला था हमने जहाँ से, उसको वहाँ पे ये नया वाला जो डोर स्विच है वहाँ पे उसको हम लगवाएंगे। ये डोर स्विच भी लगवाना बहुत आसान है दोस्तों, जैसे हमने निकाला था वैसे ही उसको फिट करना है डोर स्विच को। और जो हमने इसके जो दो स्क्रू निकाले थे वो भी हमें यहाँ पे लगवाना है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो डोर स्विच हमने पुराना वाला निकाला था उसकी जगह पे मैंने दूसरा नया वाला डोर स्विच लगवा दिया है। अभी हम इसका दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि इसका कंटिन्यूटी आता है या नहीं आता है। और दोस्तों हमने जब पहली बार जैसे इसका जो कंटिन्यूटी चेक किया था, इस वॉशिंग मशीन का डोर बंद करके हमें इसका कंटिन्यूटी देखना है कि कंटिन्यूटी आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो दो डोर स्विच का जो दो पॉइंट है वहाँ पे हमने ये दो वायर मल्टीमीटर के लगवा दिए। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर में यहाँ पे कंटिन्यूटी आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे मैंने दो वायर लगवा दिए तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आना शुरू हो गया। यानी कि दोस्तों जो पहला डोर स्विच था वो पहला डोर स्विच खराब था और अब हमने यहाँ पे नया वाला डोर स्विच लगवा दिया है। अभी जो हमने यहाँ पे स्विच का जो वायर निकाला था तो हम यहाँ पे डोर स्विच का वायर लगवा देंगे और हम फिर वापस चेक करेंगे कि इसका जो डी एरर था वो डी एरर अभी बंद हो रहा है क्या, वैसे ही वापस डी एरर आ रहा है, यह हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये इसका जो वॉशिंग मशीन का जो पीछे का कवर निकाला था मैंने, वो अभी यहाँ पे उसको वैसे ही रख देता हूँ, अभी फिट नहीं करूँगा। पहले मुझे चेक करना है कि जो डी एरर का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, ये हम पहले चेक करेंगे। तो इसका जो कवर था वो मैं यहाँ पे कवर लगवा दिया है। अभी इसका पावर ऑन करके देखते हैं कि इसका जो डी एरर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। तो इसका हम पावर ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड से तो पावर ऑन कर दिया, अभी ये मशीन का जो पावर का स्विच है उसको ऑन कर देते हैं। और उसको ऑन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे उसको चेक करने के लिए स्पिन पे यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं और स्पिन पे उसका टाइमिंग सेट करके उसको उस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों इसका जो डी एरर था प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे खाली उसका जो टाइमिंग है वही टाइमिंग शो हो रहा है, यहाँ पे खाली टाइमिंग दिखा रहा है। जो पहले डी एरर आता था वो अभी यहाँ पे डी एरर नहीं आ रहा है। यानी कि जो हमने डोर स्विच चेंज किया वो जो उसका प्रॉब्लम था वो वही प्रॉब्लम था, दूसरा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई है और जैसे ही मैं इसका डोर ओपन कर दूँगा तो यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सो अंदर का जो ड्रम घूम रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और उसका आवाज़ भी आ रहा होगा मशीन का। तो दोस्तों हमने जो इसका डोर स्विच चेंज किया है वही उसका प्रॉब्लम था। इस तरह दोस्तों अगर सैमसंग के वॉशिंग मशीन में अगर डी एरर प्रॉब्लम आ रहा है तो डी एरर प्रॉब्लम खाली डोर स्विच की वजह से आता है। अगर बीच में कहीं वायर उसकी कट हुई होगी तो भी वहाँ पे डी एरर आता है, लेकिन इसका वायरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसका डोर का स्विच था इसलिए यहाँ पर डी एरर प्रॉब्लम आ गया था। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई आपको दूसरा वीडियो चाहिए तो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर नया वीडियो बना सकूँ। यहाँ पर अभी मैं आपको डोर ओपन करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्रम घूम रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, डी ई आ रहा है। यानी कि जब डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे डी ई एरर आता था, यानी कि जो डोर स्विच ख़राब होने की वजह से ये डी एरर प्रॉब्लम आता था। अभी मैं जैसे यहाँ पे डोर बंद कर दूंगा तो ये मशीन वापस चालू हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका डोर बंद कर दिया तो ये मशीन फिर से चालू होने लगेगी। देख सकते हैं दोस्तों अंदर यहाँ पे मशीन वापस चालू हो गई। तो दोस्तों अभी आपने पूरा प्रैक्टिकली देख लिया कि अगर सैमसंग के टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन पे अगर डी एरर आता है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, अभी आपने पूरा प्रैक्टिकली करके देख लिया। तो दोस्तों अगर आप फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन, आरो फिल्टर, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आपको रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या रिपेयरिंग सीख रहे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे रिपेयरिंग से रिलेटेड नए नए ट्रिक्स आप सीख सकोगे। धन्यवाद।